हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ। आज है मेरी टेंट में लास्ट मॉर्निंग, उसके बाद हम लोग आज ही चले जाएंगे, रात में हमारी ट्रेन है। तो मैंने सोचा ये व्यू आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देती हूँ, फिर पता नहीं कब देखने मिले, मतलब नेक्स्ट ईयर कब मैं आऊँ या ना आऊँ। ये देखो, और अभी बज रहे सुबह के 7:05 बाकी है, तब इतना कोहरा और मेरा ब्रश करके हो गया। तो मैंने सोचा मैं चलती हूँ थोड़ा सा आज लास्ट डे में। आई थी तो मैं 2-3 दिन गई थी चाय पीने, उसके बाद फिर वहाँ चली गई थी तो नहीं हो गया था, बोल नहीं पा रही हूँ, ये भी बंद कर दे। पापा लोग गए हैं अभी पंडा जी महाराज के घर पे, मतलब उनको जो भी नहावन करके आते ना वहाँ गए हैं, और उसके बाद मैं चलूँगी चाय पीने कुल्हड़ की। और क्योंकि हमारी ट्रेन इलाहाबाद से ही है, देखो दिखाती हूँ आप लोग कहाँ आए हैं। रहे पापा मम्मी और बाकी लोग यहाँ पे, ये जो कल गऊदान हुआ है ना वो है, ये देखो पंडा जी को कल सिरजादान में यही दिया गया। यहाँ पे सुबह सुबह सारे लोग आके महाराज को यहाँ पापा आए हैं, मम्मी वहाँ पे है, जितने लोग यहाँ रहते हैं सारे लोग सुबह सुबह आके जितना जिसके पास रहता सब देते हैं हर एक चीज़। पापा का देखिए हो गया है, अब इन लोग जाएंगे अपने टेंट में। ये है मम्मी, मेरी बुआ लगती है, मामी मामी, ये है मेरी मामी, मम्मी के मायके की। हम लोग जा रहे चाय पीने कुल्हड़ की, मम्मी का मुंह बन गया कि बच्चा देखना पड़ेगा, तो सोची चलो लास्ट डे है पहले चाय पी लेती उसके बाद आती हूँ घर पे, मम्मी बनाएगी क्योंकि हम लोग का बनाया मम्मी पी नहीं सकती, तो पता नहीं मम्मी को अब जब टाइम मिलेगा तब बनाएगी, तब तक हम लोग एक बार पी के आते हैं। तो मैं मीना जा रहे, बाकी बच्चे सो रहे हैं घर पे, वो सो रही है, तो बाकी लोग सो रहे। इतना कोहरा है ना कि मुंह से भी धुआं निकल रहा है, आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना कोहरा है एक्चुअली, पता नहीं क्यों ना फ़ोन में क्यों नहीं कोहरा आता है मालूम नहीं, बस सामने बहुत ज़्यादा रहता है। अभी लाइट नहीं गई है, मतलब 7 नहीं बजा है, क्योंकि यहाँ पे रात शाम को आ जाती है लाइट और सुबह 7 बजे चली जाती है, लेकिन अभी लाइट नहीं गई है। देखो हर जगह लाइट जल रही है अभी टेंट के ऊपर, मतलब लाइट है, तो 7 नहीं बजा है। तो चलो हम लोग चाय पी के आते हैं। सो हम लोग निकले थे कुल्हड़ में चाय पीने, कुल्हड़ की चाय कहीं नहीं मिल रही है, नॉर्मल कप में मिल रही है, तो वो चाय नहीं पीना है, पियेंगे तो कुल्हड़ की पियेंगे, पर अभी जहाँ पे कुल्हड़ वाली मिलती है वो अभी शॉप बंद है, तो देखती हूँ अभी आगे अगर मिला तो पी लेंगे, नहीं तो फिर रिटर्न घर जाएंगे, पियेंगे तो कुल्हड़ में ही। तब तक मैंने यहाँ पे पूछ लिया, जो गाँव में नमकीन मिलती है ना थोड़ी सी तीखी खट्टी, वो वाली पूछ ली, क्योंकि दीदी के हाथ से मैं भूल गई लाना कि वहाँ पे मिल रही थी बट भूल गई, अब यहाँ पूछती हूँ अगर मिल गया तो ठीक है। बताओ भैया, यहाँ पे मैंने ले लिया ये वाली नमकीन, क्योंकि मैं निकली थी चाय पीने पर चाय तो नहीं मिली, कम से कम ये काम हो गया। आ गई मैं समोसा खाने, क्योंकि चाय तो मिला नहीं, कम से कम ये गर्मा गर्म समोसे खा लूँ। यही दे दो लोग की शॉपिंग नहीं करता। तो यहाँ पे आ गई थी ना, हम लोग शॉपिंग करके आए तो देख रहे हैं, तो मम्मी की फ्रेंड आ गई थी, मम्मी की फ्रेंड और रिश्ते में मेरी जेठानी की बुआ, तो मेरी भी बुआ हुई, वो आ गई थी मम्मी से मिलने, क्योंकि वो भी नहावन के लिए आई थी, तो कुछ देर के लिए आ गई, और आज इनकी ट्रेन है मुंबई के लिए, तो वो लोग यहीं से निकल जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा ना गप्पे उप्पे मार रहे हैं, उसके बाद निकल जाएंगे। उसके बाद जैसे ही वो लोग गए वैसे ही ना मेरी गांव की मेरी चाची लोग आ गए थे, मतलब इस बार देखो भगवान की कृपा कि हम गांव नहीं जा पाए, तो गांव के जितने भी हमारे पटीदार मतलब मेरी चाची लोग रहते, क्योंकि फैमिली अब बड़ी हो गई तो सब अलग अलग हो गए, तो वो सारे लोग आ गए थे, मतलब सारे लोग दो पार्ट में डिवाइड करके, तो उन्हीं लोग से मिल रहे, बात बातें कर रहे। यहाँ पे भाभी मतलब मेरी कज़िन भाभी, और यहाँ पे चाची लोग पूरी बना रहे हैं, ये भाजी और पूरी तल रही है पंडित जी के लिए, चलो आ जाओ। और ये चाची है, इनकी बहू है वो, तो ये मेरी चाची वो मेरी भाभी। और पापा जेंट्स डिपार्टमेंट उधर है, थोड़ा
मम्मी यहाँ बैठी है, यहाँ खाने पीने का कार्यक्रम चालू है और यहाँ पे सारे लोग बच्चे आ जाओ आ जाओ। सो यहाँ पे हो रहा है भंडारा प्रसाद। सो हमारा खाना वाना हो गया खाके, लेकिन अब हम लोग को रात की ट्रेन है तो पूरी तलनी थी, तो बस आज भाभी रिमांड में मिल गई तो लगे हाथ हम लोग ने आटा गुथवा दे रहे फिर जाते हैं। तो भाभी बोली अब मैं जाते जाते कम से कम ये करके जाऊँ, पूरी तल तो देती लेकिन टाइम नहीं है, तो इसलिए वो आटा गूथ ले रही है, फिर हम लोग तल लेंगे, उसके बाद ट्रेन में बैठ जाएंगे, भाभी जाएगी गांव। और ये है सारे लोग हमारी फैमिली के, बहुत बड़ी फैमिली है। ये अपने मामा के साथ खेल रहा है। हाँ ये तो है, ऑन कैमरा भाभी ने दिया विदाई। ये बस सही बात है, सही बात, भगवान करे दक्षिणा मिला मेरी दीदी की तरक्की हो जाए। बहुत बहुत क्यों मैं घी शक्कर। तो मेरी चाची लोग सारे लोग चले गए गांव के लोग, हम लोग को भी बोल रहे थे, बट हमको टाइम थी रास्ते के लिए कुछ चिप्स चिप्स लेने, वेफर चिप्स ये सब, ड्राई स्नैक्स ब्रेड वगैरह, बट कहीं जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। अब देखते हैं दूसरे शॉप पे, क्योंकि अब नहीं आऊँगी, बिकॉज अब जाऊँगी तो अब खाना वाना बनाना है। तो भाभी लोग चाची लोग चले गए, थोड़ा सा स्नैक्स ले लेती हूँ, ड्राई स्नैक्स। सो फाइनली हमारा सारा काम हो गया, बस अब चेंज करना है, देखती हूँ अगर चेंज मन किया तो करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी चेंज, तो चेंज बस बच्चों का करवाऊँगी और बस निकलना है। तो थोड़ा सा मैं सोची टहल लूँ एक बार और, मार्केट नहीं जा रही जस्ट ऐसे, क्योंकि मार्केट तो बस जाने की ज़रूरत ही नहीं, टेंट से निकलो मार्केट है, तो सोच रही एक राउंड ऐसी मार लूँ, ठंडा ठंडा सा लग रहा है, जैकेट नहीं पहनी बिकॉज ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही है। सो फाइनली हम लोग का सारा तैयारी हो गया, बच्चे सोने भी लगे, बज रहे 9:10 और हम लोग को 9 निकलना था, पर यहाँ नियर बाय प्रयागराज स्टेशन के लिए कोई भी ऑटो नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए पापा थोड़ी सी चौक पे गए लेके आए, और जब तक लेके आए तब तक जो भैया मैम जिनके घर गए थे भैया, वो भैया भी निकल आए लेने के लिए कि चलो गाड़ी नहीं मिल रही, मैं चले आ रहा हूँ लेने अपने 4-व्हीलर से, लेकिन वो भी निकल पा रहे और गाड़ी भी मिल गई, दोनों चीज़ हो गई। अब ये डिस्कशन हो रहा है कि उनको मना कर दो नहीं तो बेचारे परेशान होंगे, लेकिन हम लोग बोल रहे कि जान दो आ ही चुके हैं तो आधे रास्ते तो जाने दो, पापा नहीं मान रहे। क्या हुआ, मेरा वीडियो है, क्या हुआ? तो अब चल रहे हैं हम लोग निकलने, सामान वामान रखा जाएगा, तो चलिए जैसा भी रहेगा वीडियो पे बने रहना, वीडियो पे बने रहना, पसंद आए। मुझे इतनी खांसी हो गई है और इसको भी, वीडियो पे बने रहना, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो बस करते टाटा बाय बाय। सो अब हम लोग निकल रहे हैं, हमारा सारा सामान लोड हो चुका है, सो बाय बाय प्रयागराज। बहुत अच्छा लगा सच में लाइफ में। चलो मम्मी बाय बाय। अब हम लोग माघ मेला को बाय बाय करके जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ये, एक बार और देख लीजिए व्यू, बहुत सुंदर लग रहा है। जय गंगा मैया। यहाँ पे आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, जो ये माला चढ़ी हुई है ना पुल पे,
तो वो इसलिए चढ़ती है कि किसी की किसी की ना मन्नत होती है कि गंगा मैया ये मेरा काम पूरा कर देना, तो मैं आपको आर पार माला चढ़ाऊंगी, मतलब एक आर से दूसरे पार तक पूरा माला चढ़ा देने का। तो गंगा मैया जब पूरा कर देती है ना तो सब लोग चढ़ाने आते हैं नाव से, कोई कोई पुल से, जैसा जिसका रहे हिम्मत वैसे करते हैं, गंगा मैया को आर पार माला चढ़ाते हैं। उतरो, बहुत खांसी आ रही है। सो हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज स्टेशन। हमारी ट्रेन आ गई, ट्रेन है रत्नागिरी। रात को इसका टाइमिंग था 11:30, पटी आई है 12:30, 1 घंटे लेट है। तो फ्रेंड्स, हो गई है सुबह और कल से ब्लॉग शुरू है, बट मैंने रात को इसलिए ब्लॉगिंग नहीं की बिल्कुल भी, क्योंकि ट्रेन आते आते 12:30 बज गए थे, तो इसीलिए मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की। और बच्चे भी इतना रो रहे थे ना क्योंकि नींद डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैं सुबह उठते थोड़ा सा फ्रेश हो गई, पूरा मतलब अच्छे से मुँह धो लिया, कंघी तो नहीं किया है अभी, और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली थी, थोड़ा सा फ्रेशनेस लगता है, बाकी कुछ भी नहीं। बच्चे भी चाय वाय पी के, लोग का मूड एकदम खुलिया ही बदल गया है, ये खेली खेली कर रहा है। सबसे ज़्यादा रो रहा था क्योंकि ना हम लोग जब आए ना प्रयागराज में तो एसी ऑफ था, पता नहीं क्यों, इसको गर्मी लग रही थी बहुत। क्या क्या चाहिए लो, इसको वीडियो लेना है। तो अभी हम लोग अभी बज रहे हैं टाइम 9:45 हो रहे हैं, और अभी हम लोग का स्टेशन जबलपुर के बाद नरसिंहपुर क्रॉस हुआ है, मे भी शायद, हाँ शायद लेट है, तो यही सारा कुछ है। तो चलो वीडियो में बने रहना। हाँ डुगू रहन दो, ये मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है। हम पहुंच गए इटारसी, यहाँ पे 10 मिनट तो रुकेगी। क्या है इटारसी जंक्शन, थक गया है इडली सांभर। रुको बेटा रुको, गिर जाएगा। ये लीजिए ना, इसमें गर्म पानी चाहिए, गरम पानी। सो अभी मैं आई हूँ मीना के बेटे के लिए बाथरूम में गरम पानी लेने। ये देखिए, ये है कैंटीन। कितना? 10 रुपये। मैं खुद भी फर्स्ट टाइम कैंटीन देख रही हूँ और आप लोगों को भी खा दे रही हूँ। मीना बिजी है फोन में, बाकी सारे लोग सो रहे, ये एक जाग रहा है, मीना और एक जाग रहे हैं, त्रियान सो रहा है, दीदी लोग ऊपर सो रहे हैं। दोपहर के टाइम अभी बज रहे हैं 2:30 और अब आया है भुसावल जंक्शन। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं इगतपुरी क्रॉस हुआ, नहीं कसारा क्रॉस हुआ। अभी मतलब 1.25 घंटा में कल्याण आ जाएगा। अब देखो अगर और लेट नहीं हुई तो, अदरवाइज और लेट हो जाएगा, और क्या बोलो। सबसे ज़्यादा इसने परेशान किया है ये ट्रैवलिंग में, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं कर पाई आज, ये वाला व्लॉग ज़्यादा नहीं गया है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और कुछ काम बाकी है तो कर लो। नहीं, मुझे उधर का पाड़ा पिलो। क्या टुगू, तो चलिए, मेरे को खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है इसलिए मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर रही क्योंकि आवाज़ अच्छी नहीं जा रही है। तो चलिए अभी जब घर चलूँगी, जैसा जो रहेगा व्लॉग पे बने रहना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, करती यहीं पर। एंड टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय। दीदी वहाँ सामान को देख रही है क्योंकि वो उतरवाएगी, यहाँ ये खेल रहे हैं, यहाँ हम लोग वेटिंग में हैं। बाय 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 बाय।
बाय बाय। हम लोग फाइनली आए थे हम, ये हमारी ट्रेन, बाय बाय ट्रेन। ये आए लेने, जीजू लोग आए हैं, देखो बाप बेटे मैचिंग मैचिंग। क्योंकि इनको खाली घर पसंद नहीं, और हम लोग आए थे इसलिए बहुत खुश थे कि चलो अब फिर से घर भरा भरा सा लगेगा, और ये इसीलिए ना इसमें भी खुशी लोग को अक्सर बुलाते रहते हैं।